कोरोना की वैक्सीन पर अच्छी खबर मिल रही है। देश की पहली कोरोना वैक्सीन बस 73 दिन दूर है। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है, जिसे पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। लेकिन वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी, ये हम तक कैसे पहुंचेगी, इसे कितने रुपए में खरीद सकेंगे, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। इस समय हर जगह सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हो रही है और वो है वैक्सीन। किसी एक सवाल का जवाब मांगा जाता है तो वो है वैक्सीन कब तक आएगी, और सबसे जरूरी सवाल पूछा जाता है वो ये है कि भारत में वैक्सीन कब तक आएगी और हम तक कैसे पहुंचेगी। तो इन सभी सवालों के जवाब अब मिलते दिख रहे हैं। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। भारत को अपनी पहली कोविड वैक्सीन बहुत जल्द मिलने जा रही है, और वो भी सिर्फ 73 दिनों में। यानी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 महीने से भी कम समय में भारत में पहली कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। यह वैक्सीन कोविशील्ड होगी, जिसे पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। एक और जरूरी सवाल यह है कि आम नागरिक तक कैसे पहुंचेगी वैक्सीन। तो इस सवाल का जवाब यह है कि भारत सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अपने नागरिकों को टीके लगवाएगी। कितने रुपए में मिलेगी वैक्सीन? आपको बता दें कि वैक्सीन की खास बात यह है कि सरकार नागरिकों को टीके मुफ्त में लगवाएगी, यानी कि आपको वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पहले ही इस बात के संकेत दिए हैं कि वह SII से स्वयं ही वैक्सीन को खरीदेगी और नागरिकों को मुफ्त में इसकी खुराक दी जाएगी। किसे पहले मिलेगी वैक्सीन, इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलेगी। इसके बाद बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर उपलब्ध डोज के आधार पर सबको टीका लगाने की कवायद शुरू होगी। वहीं वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फाइनल फेज में ट्रायल का पहला डोज आज से दिया गया है, दूसरा डोज 29 दिनों के बाद दिया जाएगा। वहीं फाइनल ट्रायल डेटा दूसरा डोज दिए जाने के 15 दिन बाद आएगा। इस अवधि के बाद हम कोविशील्ड को बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हमारी ये कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा। गौरतलब है कि सीरम हर महीने 6 करोड़ डोज बनाना शुरू कर रहा है, जिसे अप्रैल 2021 तक 10 करोड़ हर महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने 200 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी वैक्सीन निर्माण की क्षमता में इजाफा किया है। भारत को फिलहाल सीरम से वैक्सीन की 68 करोड़ डोज मिल सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि 130 करोड़ की आबादी में 68 करोड़ वैक्सीन से कैसे काम चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि देश में एक समय 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। अगर ये वैक्सीन भी इसी बीच तैयार हो सकी तो भारत को वैक्सीन उपलब्ध कराने में काफी आसानी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन पर हर जरूरी जानकारी और आम नागरिकों के हर कोरोना संबंधी सवाल का जवाब देने के लिए भारत सरकार कोरोना वैक्सीन को समर्पित एक विशेष वेबसाइट ला रही है। इस वेबसाइट पर कोरोना वैक्सीन से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इस पोर्टल पर भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन की भी जानकारी होगी, और WHO के तहत दुनिया में बन रही कोरोना वैक्सीन की जानकारी भी उपलब्ध होगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए ICMR अगले सप्ताह कोरोना की जानकारी पर समर्पित एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिसके जरिए लोगों को बताया जाएगा कि कोरोना वैक्सीन का निर्माण किस स्टेज पर पहुंचा है और ये कब तक और कैसे लोगों तक पहुंचाई जाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।